वो तीन चीज़ों पे हम लोग फोकस हैं। पहला मुद्दा है शिक्षा का, दूसरा मुद्दा है रोजगार का, तीसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। जीत के आते हैं तो हम लोग भ्रष्टाचार पे कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर कोई आदमी किसी सरकारी महकमे में किसी कार्य के लिए भ्रष्टाचार के लिए परेशान किया जाता है, उसे भ्रष्टाचार घूस मांगा जाता है किसी काम के लिए, वो सीधे हमसे संपर्क कर सकता है, डायरेक्ट बात कर सकता है। इसके लिए हम भी वो नली गली वाला कार्य तो हर कोई करेगा, बस अंतर ये है कि जब हम लोग करेंगे तो उसमें करप्शन पे कंट्रोल रहेगा, लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा कार्य करना है, जिसके लिए ना किसी फंड की ज़रूरत है, बस केवल विल पावर की ज़रूरत है, एक मजबूत इरादे, दृढ़ इच्छा शक्ति की बात है, वो काम जो कोई घूस मांगता है, हम लोग उस घूस के पैसे आपको देंगे। हम लोग आपको घूस के पैसे देंगे, आप उसको दीजिए, हम लोग उसे एंटी करप्शन ब्यूरो से गिरफ्तार कराएंगे। और उन्हें पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो इंक्वायरी में पैसा वसूला जाता है, एक तरह शोषण है। इसको लेकर के हम लोगों ने पहले भी मुद्दा उठाया था, हमारे जिले के एसपी साहब ने उसको लेकर के एक्शन में लिया और एक नंबर जारी किया कि कोई अगर पासपोर्ट की इंक्वायरी के नाम पर पैसा मांगता है तो उन्हें कॉल करिए, उस पर एक्शन होगा। लेकिन अभी भी कई थानों में ऐसी शिकायत मिल रही है, कई लोग अगर आपके पास अगर इस तरह की कोई पासपोर्ट की इंक्वायरी आती है तो आप हमसे संपर्क करें। आप सोचिए कि अगर नगर पंचायत का अध्यक्ष आपके इंक्वायरी में साथ जाता है, कैसे हिम्मत होगी किसी घुसखोर की कि वो आपसे पैसे मांग ले। साथ में इस भय को निकाल दे अपने मन से कि ये लोग किसी गलत केस में फंसा देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये घुसखोर एक नंबर के डरपोक होते हैं, इन्होंने घुस के रकम से अपने क्या क्या काम जेब भर रखे हैं, उन्हें तो खुद डरे सहमे रहते हैं कब पकड़ में आ जाए। हमारे पास एक विल पावर है, हम सारे सिस्टम को जानते समझते हैं, इसके खिलाफ हम पहले भी लड़ते रहे हैं, अभी भी लड़ेंगे, आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय स्वदेश हथुआ के समस्त जनता जनार्दन को सादर प्रणाम। अभी हम लोग चुनावी मैदान में हैं, डोर टू डोर हमारा उम्मीदवार, हम स्वयं आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं, कई जगहों पे जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। समय कम है और संपर्क करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। हमारा जो मुद्दा चुनाव में है वो तीन चीज़ों पे हम लोग फोकस हैं। पहला मुद्दा है शिक्षा का, दूसरा मुद्दा है रोजगार का, तीसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। तो शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हमारा काम जो होगा वो प्राथमिक रूप से होगा। आपको हम बता दें कि जो पंचायत चुनाव में जो भी सरकार बनेगी, नगर निकाय की जो भी सरकार गठित होगी, वो नली गली वाला कार्य तो हर कोई करेगा, बस अंतर ये है कि जब हम लोग करेंगे तो उसमें करप्शन पे कंट्रोल रहेगा, लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा कार्य करना है, जिसके लिए ना किसी फंड की ज़रूरत है, बस केवल विल पावर की ज़रूरत है, एक मजबूत इरादे, दृढ़ इच्छा शक्ति की बात है, वो काम करेंगे। जिसमें तीन मुख्य मुद्दा है, शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार। तो तीनों मुद्दे पे हम लोग बिंदुवार बात करेंगे। तो सबसे पहले आखिरी मुद्दा भ्रष्टाचार पे हम आपसे बातचीत करेंगे कि भ्रष्टाचार को लेकर के हमारा क्या नज़रिया है। अगर नगर निकाय हथुआ में हमारी सरकार गठित होती है तो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को हम बता दें कि नगर हमारी सरकार बनती है, नगर निकाय में हम लोग जीत के आते हैं तो हम लोग भ्रष्टाचार पे कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर कोई आदमी किसी सरकारी महकमे में किसी कार्य के लिए भ्रष्टाचार के लिए परेशान किया जाता है, उसे भ्रष्टाचार घूस मांगा जाता है किसी काम के लिए, वो सीधे हमसे संपर्क कर सकता है, डायरेक्ट बात कर सकता है। इसके लिए हम लोग एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे जिसमें कॉल करके हमें बता सकता है। हालांकि ऐसी सुविधा सरकारी स्तर पर भी है, लेकिन लोग जागरूक नहीं हैं और उन्हें वहाँ बात करने में सहज महसूस नहीं होता है, इसलिए हम आपके बीच के हैं, हम लोग के नंबर पर आप बात कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। जो कोई घूस मांगता है, हम लोग उस घूस के पैसे आपको देंगे, हम लोग आपको घूस के पैसे देंगे, आप उसको दीजिए, हम लोग उसे एंटी करप्शन ब्यूरो से गिरफ्तार कराएंगे। जब भ्रष्टाचारी घुसखोर दो चार पांच गिरफ्तार हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक दूसरे भ्रष्टाचारी सहम जाएंगे और भ्रष्टाचार पे कंट्रोल होगा। इसके अलावा आप देखेंगे हमारे हथुआ नगर पंचायत क्षेत्र के कई युवाओं की शिकायत है कि जब उन्हें रोजगार के लिए विदेश जाने की जरूरत पड़ती है और उन्हें पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो इंक्वायरी में पैसा वसूला जाता है, एक तरह शोषण है। इसको लेकर के हम लोगों ने पहले भी मुद्दा उठाया था, हमारे जिले के एसपी साहब ने उसको लेकर के एक्शन में लिया और एक नंबर जारी किया कि कोई अगर पासपोर्ट की इंक्वायरी के नाम पर पैसा मांगता है तो उन्हें कॉल करिए, उस पर एक्शन होगा। लेकिन अभी भी कई थानों में ऐसी शिकायत मिल रही है, कई युवाओं ने बताया कि उसको मॉड्यूल बदल करके, उसे परेशान करके
पैसे लिए जा रहे हैं, हम लोग इस पर कंट्रोल करेंगे। अगर आपके पास अगर इस तरह की कोई पासपोर्ट की इंक्वायरी आती है तो आप हमसे संपर्क करें। आप सोचिए कि अगर नगर पंचायत का अध्यक्ष आपके इंक्वायरी में साथ जाता है, कैसे हिम्मत होगी किसी घुसखोर की कि वो आपसे पैसे मांग ले। इस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं। ये पूरी तरह से पारदर्शी सिस्टम है, पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम हम लोग बनाएंगे, जिससे कि कोई भी आदमी बेहिचक अपनी शिकायत कर सकता है। साथ में इस भय को निकाल दे अपने मन से कि ये लोग किसी गलत केस में फंसा देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये घुसखोर एक नंबर के डरपोक होते हैं। इन्होंने घुस के रकम से अपने क्या क्या काम जेब भर रखे हैं, उन्हें तो खुद डरे सहमे रहते हैं कब पकड़ में आ जाए। हमारे पास एक विल पावर है, हम सारे सिस्टम को जानते समझते हैं। इसके खिलाफ हम पहले भी लड़ते रहे हैं, अभी भी लड़ेंगे। आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई प्राथमिकता की सूची में शामिल है। दूसरा मुद्दा रोजगार का है। हमने आपको बताया है पहले भी कि रोजगार जो हम लोग सरकारी रोजगार तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन लघु स्तर पे, माइक्रो लेवल पे हम आपको इतना आत्मनिर्भर बना देंगे कि आपको किसी के यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी जरूरतमंद है, जिसमें खास करके महिलाएँ मतदाता, जो महिलाएँ माता चाची या चाहे भाभी या जो भी है, अगर वो घर में बैठी है अकेले, घर के काम काज करने के बाद घर में अकेली बैठी है, तो हम लोग उनके घर में ये काम उपलब्ध कराएंगे। काम क्या उपलब्ध कराएंगे? हर महिला में कोई ना कोई स्किल होता है, उनके अंदर कोई गुण होता है, हम उसके गुणों के अनुरूप कराएंगे। हम समय वेस्ट नहीं करेंगे किसी ट्रेनिंग में, जरूरत पड़ेगी तो ट्रेनिंग में देंगे। मान लीजिए कि कई महिलाएँ जो है, भाई एक माताएं बहनें जिन्हें सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम आता है, हम वो उनके घर पे ही उपलब्ध करा देंगे, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर उनको, हम पहले ही बोलते हैं कि दौरी बिनने आता होगा बरुआ से, तो उनको जो है दौरी बिनने का काम दे देंगे। वो कहाँ बिकेगा नहीं बिकेगा उससे आप लोग का कोई लेना देना नहीं है, वो हमारा लुकआउट है, हम लोग की जिम्मेदारी है, उसे हम लोग बेच देंगे, लेकिन पैसा तुरंत आपको दे देंगे। मान लीजिए कोई महिला एक महीने में 3-4 दौरी बिन लेती है, 1,500-2,000-4,000 रुपया उसके आ जाए, तो क्या बुराई है? वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी होगी, मजबूत होगी, आत्मनिर्भर बनेगी, अपने बच्चों पर ध्यान देगी। अगर आपको दौरी बिनने भी नहीं आता है तो हम लोग उनको घर में मटेरियल उपलब्ध करा देंगे, अदौरी खोटने का कार्य कर सकती है, दूसरे चीज़ है जो काम करते हैं। इस तरह ढेरों आइडिया है जिस पे हमें काम करना है, और माइक्रो लेवल पे इतना मजबूत कार्य करना है कि यहाँ पे जो है माइक्रो लेवल पे जो आर्थिक क्रांति होगी, आप विश्वास रखिए कि 5 साल के अंदर पूरे देश दुनिया में एक रोल मॉडल बनेगा हथुआ का। ये जो एक्सपेरिमेंट हमने कई राज्यों में काम किया है, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में हमने देखा है कि वहाँ इस तरह के माइक्रो लेवल पे महिलाओं को कार्य मिलता है, जिससे आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो चुकी हैं और घर परिवार को मजबूत बनाए हुए हैं। आप विश्वास रखिए, हम लोगों ने तय किया है कि हर वार्ड, जैसे केंद्र सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो एक कंसेप्ट लाया है, उसी कंसेप्ट को हम लोग वार्ड लेवल पे इंप्लीमेंट करेंगे, उसे लागू करेंगे। जैसे वन वार्ड वन प्रोडक्ट, मतलब इनिशियल लेवल पे हम लोग हर वार्ड के लिए एक प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन बनाएंगे, जहाँ पे वो जगह उस प्रोडक्ट का एक माइक्रो लेवल पे ही हब होगा। इस तरह से 22 प्रोडक्ट होंगे, जिससे हमारे माइक्रो लेवल पे वो हब बन के रहेंगे हथुआ में, और यहाँ से जो है सप्लाई बाहर तक जाएगी। हमारे छोटे से मार्केट में बाहर से माल आता है, और यहाँ तो माल खपत होगा ही, बाहर भी जाएगा। इस तरह से हम लोग का लक्ष्य है कि पूरे हथुआ में आने वाले 5 सालों में 1 अरब की इकोनॉमी का फ्लो करवाना है। इसमें हमें किसी सरकारी मदद की जरूरत नहीं है, बस हमें आपके मेहनत, आपके आशीर्वाद, आपके जुनून का उसका भरपूर उपयोग करना है, सार्थक दिशा में उपयोग करना है। बहुत सारे लोगों को मजाक लग सकता है कि आदमी क्या बात कर रहा है, 1 अरब रुपया क्या मामूली रकम होती है जो ये फ्लो करवा देगा, लेकिन हमें एक्सपीरियंस है। हमने बड़े बड़े कंपनियों में ऊंचे ऊंचे अहदे के पद संभाले हैं, वहाँ लाखों करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले कंपनियों की जिम्मेदारी HOD के रूप में संभाला है, उसके मुखिया के रूप में संभाला है। हमने एक्सपीरियंस है, इसका अनुभव है, हम सक्षम है इसको करने में। आप विश्वास रखिए, हर साल 20 करोड़ का एवरेज बैठेगा, औसतन 20 करोड़ का एवरेज बैठेगा, जिसमें 5 साल में 1 अरब की इकोनॉमी एडिशनल फ्लो करेगी। मार्केट में ऐसे इवेंट करने हैं जिससे कि हमारे मार्केट में, लोकल मार्केट में 20% एक्स्ट्रा ग्राहकों का रेगुलर फुटफॉल बढ़े। आप सोचिए, हमारे दुकानदार बंधु, अगर आपके मार्केट में 20% एक्स्ट्रा ग्राहकों की अगर फुटफॉल बढ़ता है, तो उसका असर आपके व्यापार पर कितना पड़ेगा, इससे कितनी मजबूती होगी, आर्थिक रूप से आप कितना समृद्ध होंगे। आप इस बात को समझिए कि आपके हित में, आपके रोजगार के लिए बात
करने वाला कोई नहीं है, झांसा देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हम जो भी बात करते हैं बहुत ही तर्कपूर्ण बातें करते हैं। अगर आपको किसी तरह का भरोसा ना हो तो जब हम क्षेत्र में आपके पास जनसंपर्क करने आए, आपसे बातचीत करें, तो आप क्वेश्चन पूछिए, हमसे सवाल कीजिए कि ये कैसे होगा, इसके लिए क्या मॉड्यूल है। अगर हम जवाब दे करके आपको संतुष्ट ना करें तब भरोसा मत करिए। जब आप हमारे जवाब से संतुष्ट हो जाइए तो भरोसा कीजिए और हमें विजयी बनाइए। इसके अलावा आपको हम बता दें कि जो पहला भ्रष्टाचार और रोजगार और शिक्षा, तो जो पहला हम लोग का मॉड्यूल है शिक्षा का, तो वो हम अभी आखिरी में बता रहे हैं। शिक्षा में क्या है कि हम लोग एक प्राथमिक लेवल की शिक्षा में जबरदस्त क्रांति करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे स्कूलों में भवन तो बन गए हैं लेकिन वहाँ की व्यवस्थाएँ अभी दुरुस्त नहीं हैं। आप कहेंगे कि ये तो आपके कंट्रोल में नहीं आता है, आप कैसे कंट्रोल करेंगे, ये तो राज्य सरकार के अधीन आता है। पंचायती लेवल पर जितना काम आता है उसकी निगरानी का, उसको हम निगरानी इतना बेहतर करेंगे, सीसीटीवी कैमरे से लैस करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है लोगों से मदद लेकर के, जो बाहर कई सारे लोग हैं जो मदद करने के लिए इच्छुक हैं लेकिन उनके मदद को सार्थक दिशा में ले जाने वाला कोई नहीं है, उनसे मदद लेकर के सहयोग से हम उसे और उन्नत करेंगे। अगर हमारे पास फंड आता है सरकार की ओर से तो उसे और विकसित करके मजबूत बनाएंगे। हम लोगों ने तय किया है कि हर साल कम से कम हर वार्ड से 10 बच्चों का ऐसा चुनाव किया जाए जिन्हें कुल मिला के 120 बच्चे हो रहे हैं, तो लमसम 250 बच्चों को निशुल्क कोचिंग कराई जाए प्राथमिक लेवल पे, जिससे कि वो नवोदय विद्यालय में प्रवेश पा सके। हम जानते हैं कि पूरे बच्चे प्रवेश नहीं ले सकते हैं लेकिन ये बच्चे कम से कम इतना तो हो कि हथुआ के बहुत सारे बच्चे वो एडमिशन लिए हो। हम लोग इस लेवल पर ये शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते हैं, ये हम निजी रूप से प्रयासरत हैं जिससे कि एक शिक्षा के रूप में अभूतपूर्व क्रांति हो। इसके साथ ही उससे भी और प्राइमरी लेवल पर आ जाइए, जो आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं वहाँ पर जो है वो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है, जगह पे देखा गया है, इसको दुरुस्त करना है। इसमें जो जुड़े हुए कई सारे लोग हैं, चाहे सरकारी महकमे के हो या कोई भी हो, उन लोगों का बस एक ही मकसद है किसी तरह से बिल बना करके उसकी राशि को हेर फेर कर लेना। हमने उनके रजिस्टर को देखा है, समझा है, एज ए पत्रकार रहते हैं उसको गहन अध्ययन किया है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप सोचिए कि अगर इस पर कंट्रोल हो गया तो गरीब समाज के बच्चे को जो क्वालिटीपूर्ण शिक्षा मिलेगी, प्ले वे लेवल से जो शिक्षा मिलेगी, वो कितनी बड़ी क्रांतिकारी कदम होगा और इसका रिजल्ट आने वाले 10 साल 15 साल बाद में दिखाई देगा। आप विश्वास रखिए, ये विश्वास से ही विश्वास बढ़ता है। आपको अगर किसी तरह का संदेह हो तो आप जरूर परखिए। इसके अलावा जो उच्च शिक्षा की बात है, हमारे यहाँ कॉलेज में सेशन लेट चलता है, ये चूंकि यूनिवर्सिटी की बात है हम लोग इस पर कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके नियमितता के लिए हम लोग संघर्ष जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों का साल बर्बाद ना हो, हायर एजुकेशन में हम लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वो दूसरे यूनिवर्सिटियों से घर बैठे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। यहाँ पर लोकल लेवल पर डिजिटल लाइब्रेरी का हम लोग का प्लान है, जिससे कि देश दुनिया में बच्चे जहाँ डिजिटल होकर के ढेर सारा ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, वो सुविधा हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो इसको लेकर के हम लोग का पूरा का पूरा ब्लू प्रिंट तैयार है। ये तो तीन प्रमुख बिंदु है, शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार पर प्रहार, जिसके ऊपर हम लोग बहुत ही शिद्दत से काम करेंगे। इसके अलावा ढेर सारे काम है, ढेर सारी योजनाओं का ब्लूप्रिंट है, इसको लेकर के हम चुनाव के समय, चुनाव तो चल ही रहा है, जब हमें सिंबल मिल जाएगा तो हम उसको अपने घोषणा पत्र, जिसे विजन डॉक्यूमेंट बोलेंगे, हम लेकर के आपके सामने आएंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इस हमारी बातों को परखिए, समझिए, अच्छा लगे तो दूसरे लोगों को बताइए, दूसरे लोगों के झांसे में मत आइए। चुनाव में ऐसे भी कैंडिडेट मैदान में हैं जो पैसा बांट रहे हैं। आप सोचिए, आज के डेट में कोई 5 रुपया किसी को देता नहीं है, कोई आकर के 5,000-10,000 बांट दे रहा है, वो फ्यूचर में क्या करेगा, कितना दुहेगा हमसे, हमारा कितना गला रेतेगा, आर्थिक रूप से कितना शोषण करेगा, कितना बड़ा भ्रष्टाचार होगा। आप विश्वास रखिए, जो जितना खर्चा करेगा चुनाव में, अगर वो जीतेगा तो वो समझिए उतना ही दोहन करेगा। इसलिए हमारा प्रयास है कि जो सीमित संसाधनों में बेस्ट से बेस्ट हम लोग को लड़ाई लड़नी है और जीतनी है। आप देख रहे होंगे ये पूरा एरिया, हम लोग कहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, हम लोग किसी एसी हॉल में बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, ये सीमित संसाधन है। चलते चलते जनसंपर्क के दौरान समय मिला, हमने यहाँ बात कर लिया, फिर आगे निकलेंगे, 1-to-1 मिल रहे हैं। किसी भाई बंधु से मुलाकात ना हो तो हमें क्षमा करें, हम लोग मिलने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात आप तक पहुँच जाए, अच्छी लगे तो दूसरे तक पहुँचाइए। आप जो असली कैंडिडेट है, आमतौर पर होता क्या है कि महिला उम्मीदवार का सीट है, महिला कैंडिडेट के लिए सीट है, महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में पति के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, लेकिन हमारी पत्नी सुनीता देवी,
सुनीता शाह सरनेम है, सुनीता शाह वो चुनावी मैदान में है, वो खुद डायरेक्ट जनसंपर्क कर रही है, उनका समय जब जब मिलता है वो भी मीडिया से मुखातिब होती है, हम लोग भी डायरेक्ट संवाद करेंगे, आप भी बात करिए, आप भी क्षेत्र में जाने पर सवाल कीजिए, दूसरे कैंडिडेट आ रहे हैं, हम लोग परीक्षा देने निकले हैं, आप परीक्षा लीजिए, अच्छे अंक लाइन लायक है तो हमें पास कीजिए और हमें विजय बना करके हथुआ के उज्ज्वल भविष्य को अपना समर्थन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय हथुआ। नमस्कार।